वाड़ी परिसर में पुलिस द्वारा एक कंपनी की बस रोकी गई है। बस के आसन क्षमता से कई ज्यादा यात्री सवार थे, इसीलिए यह बस रोकी गई है। आइए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुनील शेट्टी। आइए जानते हैं क्या है पूरा वाकया। शेट्टी जी, आज सुबह क्षेत्र में एक बड़ी खबर आई है सामने। क्षमता से ज्यादा लोग बिठा कर बस एम्प्लॉय को लेकर जा रहे थे, क्या है पूरा मामला? अभिषेक, ये मामला करीब 9:45 की घटना है। वाड़ी पुलिस को एक जानकारी मिली कि एक निजी बस के अंदर कोई कंपनी के लिए जाने वाली कर्मचारियों को ले जाया जा रहा है, उसमें क्षमता से ज्यादा लोग भरे हुए थे, ऐसा जानकारी वाड़ी पुलिस स्टेशन को मिली। वाड़ी पुलिस स्टेशन को जैसे जानकारी मिली, उन्होंने वाड़ी वर्धमना एरिया के अंदर कई मतलब पुलिस टीम को जाल का सामान बिछा के वो बस को ट्रेस करने के लिए उन्होंने जाल बिछाया। उसको दोपहर सुबह 10 बजे के करीब उसको उन्होंने पकड़े। तो किस कंपनी की गाड़ी थी, इसकी कुछ खबर पता चली है अभी तक? अभिषेक, ये कंपनी यानी निजी एक दवाई का कंपनी है। वो ये नागपुर से 18 किलोमीटर दूरी पे एक गोंडगिरी नामक एक गाँव है, अमरावती रोड पे ही उनका बहुत बड़ा एक माइक्रो लॉजिस्टिक पार्क करके एक गोडाउन है। 40 कंपनी का दवाई वहां पे एकत्रित होती है उस जगह पर, और वहां पे जो कार्य मतलब उन्होंने कलेक्टर से परमिशन तो ली है, लेकिन परमिशन का उन लोगों ने गलत तरीके से उन्होंने ये किया है कि आदमी 20 जाना था उस बस के अंदर, उसके में 57 यानी 57 मतलब उसमें कर्मचारी थे, तो उसके अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने बराबर वापर किए नहीं थे। तो पुलिस ने अभी फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है उनके ऊपर? पुलिस ने सुबह जब उनको बस रुकाया, रुकाने के बाद पहले उन्होंने पूरा ड्राइवर मतलब पुलिस वालों ने वीडियो चित्रीकरण किया, ताकि बाद में इन्होंने पलटना नहीं चाहिए करके। चित्रीकरण करने के बाद वहां से 3 किलोमीटर जो जहां से बस को पकड़े, वहां से 3 किलोमीटर उसको वापस ले जाके थाने में जमा कर दिए। थाने में जमा करने के बाद सभी 57 लोगों का नाम दर्ज करके क्या क्या काम करते हैं उनका पूरा डिटेल्स ली गई है। उसके बाद कंपनी का मालक को भी बुलाया गया है, भाई आपने इतना बड़ा गलती कैसे की है, कि इस हिसाब से ये सभी जानकारी हुई। बस को अभी भी वाड़ी पुलिस स्टेशन में जमा है, उधर कार्रवाई जारी है। शेट्टी जी, ये बड़ी बात है क्योंकि अभी आज 1 महीना हो रहा है लॉकडाउन को। ये जानकारी कहाँ से मिली पुलिस विभाग की कि इस तरह से वो एम्प्लॉय को लेके जा रहे? अभिषेक, एक खास बात ये है कि ये कोई ही आपस का ही आदमी ने जो इसको पुलिस को गुप्त सूचना दी है कि ऐसा ऐसा घटना 3-4 दिन से चल रही है। ये अभी भी चालू है, शायद 20 तारीख से शुरू हुई लगता है ये कंपनी में जाना आना। तब तक तो लॉकडाउन की वजह से सब बंद था। जब इन्होंने कलेक्टर से परमिशन लेके जो भी इस कार्य कर रहे हैं, तो इन्होंने हर चीज को ध्यान रखना था। कंपनी के मालक से भी मैंने ऐसी फेस टू फेस बात किया, तो उनका कहना है कि मैंने बस वाले को इसका पूरा जानकारी देके हम ट्रेनिंग दिया हूँ, ऐसा जानकारी मालक बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ वहां दिखाई नहीं दिया। लेकिन टोटल 57 बस में कचाकच पूरा 50 सीटर बस में पहले सब सीट में बैठे हुए थे, बाकी 4-5 लोग बीच में खड़े थे और 7 लोग कैबिन में थे, ड्राइवर कैबिन में। बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ शेट्टी जी, बहुत बड़ी घटना है आज ये जो खबर दी है, आगे भी इस पे कुछ अपडेट होगी तो हमें बताइए। इस खबर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक।